हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे व्लॉग जो हैं गोवा सीरीज़ के, वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। और इस समय मैं गोवा में ही हूँ। क्रिसमस सीज़न है, दिसंबर का महीना है, और आप जानते हो कि क्रिसमस सीज़न के दौरान जो है वो गोवा में काफ़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं। काफ़ी लोग जो हैं इस सीज़न को एंजॉय करते हैं, और न्यू ईयर भी जो है वो आने वाला है। हो सकता है कि ये व्लॉग आप थोड़ा सा लेट देख रहे हो, लेकिन ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ ये क्रिसमस सीज़न के दौरान है। सो गाइस, मैं इस समय गोवा में हूँ, और गोवा में क्रिसमस सीज़न की क्या शुरुआत है, कैसे किस तरीके से मतलब सब कुछ किया जा रहा है, दैट आई वांटेड टू शो यू। दरअसल मैं जब थोड़ा सा यहाँ पर आया तो ये थोड़ा सा क्रिसमस जो है क्रिसमस का जो डेकोरेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर किया गया है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्रिसमस की जो डेकोरेशन यहाँ पर की गई है, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ का सराउंडिंग। और आपको बोर्ड दिखाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है जाटनी मेडो, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। दादा, इस जगह का नाम क्या है? पर्रा टीटो। योर गुड नेम? आपका? माय नेम इज विंसेंट, एंड दैट फुल कोकोनट ट्री बिलोंग टू अस। ओह, थैंक यू, सो नाइस टॉकिंग टू यू। सो यू वेलकम। हां, थैंक यू। ओह, थैंक यू। ऑलराइट, सॉरी, Definitely, I would like to go there. Yeah. Chennai Express. Uh-huh. इधर से शुरू हुआ। Okay. Christmas? Christmas, everything fine. Now today, tonight, New Year. And from there, you can go to Anjuna. Oh, okay. So Anjuna is very near from here. Yes, near means another 6 kilometers or 7 kilometers. All right. Thank you, Mr. Winston. All right. तो ये Mr. Winston थे जो हमें थोड़ी सी जानकारी दे रहे थे इस जगह के बारे में। खैर, सो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहता था जो यहाँ पर क्रिसमस की जो इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन कर रखी है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ पीछे आप सेंटा देख सकते हो। एंड लेट मी जस्ट टेक यू क्लोज। और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो यहाँ पर सजावट की गई है, जो बनाया गया है स्टैचूज वगैरह, थोड़ा सा आपको क्लोजली मैं दिखाना चाहता हूँ। सो ये है जी मिस्टर सेंटा, वट एवर यू कॉल इट। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट के जन्म के विषय में भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, और वो ये है कि जैसे कि आई विल हेल्प यू और दैट। सो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो, और फिर उसके बाद ऐसा करते हैं पहले दिखा देता हूँ, देन आई विल टेल यू द स्मॉल स्टोरी। सो दिस इज़ द मेंजर, आई डोंट नो इफ आई कैन गो इनसाइड। और मदर मैरी ये बताए हैं, एंड बेबी जीसस एंड जोसेफ। और ये थोड़े से ऐसे कुछ ये बनाए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि दरअसल जब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था वो एक मेंजर में हुआ था, यानी कि गौशाला में। और ये मदर मैरी का एक पुतला यहाँ पर बनाया गया है। और हुआ क्या था कि ये सेंसिस उस समय चल रहे थे, और सेंसिस के दौरान हुआ क्या कि इतना वहाँ पर भीड़ थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जो थे उनको ये हुक्म दिया गया था कि आप जिधर से भी हो, मतलब जिधर भी आप रहते हो, आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में आकर अपना अपना जो है नाम लिखवाएं, रजिस्टर्ड करवाएं। उसी सिलसिले में जो थे ये जो मदर मैरी थी ये भी इसी गांव से थी, मतलब उसको क्या बैतलहम बोलते हैं। और जोसेफ जो थे ये भी सेम गाँव के थे। आई थिंक जोसेफ की वजह से यहाँ पर मरियम को आना पड़ा, क्योंकि नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और उस समय जो मदर मैरी थी वो गर्भवती थी, और हुआ क्या कि उनको जगह नहीं मिली। और इवेंचुअली क्या हुआ, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है स्टोरी, कि उनको एक मेंजर में, यानी कि गौशाला में जगह मिली, क्योंकि जो भी होटल्स थे उस समय, हालांकि होटल्स नहीं होते थे, लेकिन जो भी मतलब वहाँ पर सराएँ थी, इन्स जो थी, वो सब उस समय फुल थी, क्योंकि इनके अलावा और भी बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पर आए हुए थे। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि मतलब इनको एक इस प्रकार का एक मेंजर में जन्म लेना पड़ा। सो ये जन्म इनको मजबूरी में नहीं लेना पड़ा, इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड बाय गॉड, मतलब ये परमेश्वर की ओर से ये ऑलरेडी प्लान था कि ऐसा ऐसा आपको होगा। सो वेल, लेट मी नॉट गो डीप इनटू दिस स्टोरी, बट क्रिसमस का जो मैं आपको बताता हूँ स्टोरी, तो यहाँ पर इनको मेंजर में जन्म हुआ, और फिर उसके साथ जो था यहाँ पर बहुत सारे लोग भी यहाँ पर थे। सो दिस इज़ एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग मेंजर। ऊपर जो आप देख सकते हो ये एंजल है,
और एंजल जो था, और उस एंजल का नाम था गैब्रियल। इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट गैब्रियल, और हिंदी में उसको बोलते हैं जिब्राइल, और शायद उर्दू में भी वही शब्द होगा। सो जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा बहुत सारे लोगों को ये संदेश दिया गया कि जीसस क्राइस्ट द सेवियर जो है वो उसने यहाँ पर क्या किया है, जन्म लिया है। उसके बाद मित्रों क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगह इन द सेंस कि अलग अलग देशों से कुछ ज्योतिषी आए, और जो कि एस्ट्रोनॉट थे, और उन एस्ट्रोनॉट्स जो थे उनको तारों से मालूम पड़ा कि जगत का जो राजा है, इसराइल का जो राजा है, यरूशलेम में बैतलहम में पैदा हुआ है। सो ये जो थे ये इसराइल से नहीं थे, ये अलग अलग राज्यों, अलग अलग माफ़ कीजिएगा देश नेशंस से थे, और ये इनको तारों से इन्होंने अंदाज़ा लगा दिया, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट थे तो इनको मालूम पड़ गया कि एक किंग जो है, महान किंग जो है वो पैदा हुआ है। सो ये अलग अलग जगहों से ढूंढते हुए जीसस क्राइस्ट को आए, और एक्चुअली ये आए कैसे, क्योंकि एक स्टार था, एक स्टार के सहारे ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एस्ट्रोनॉट थे, उस स्टार को देखते देखते मतलब वो आए, क्योंकि वो जो स्टार था वो इनको डायरेक्शन दे रहा था, वो स्टार जो था वो इनको बता रहा था कि ये रास्ता है जिधर जो है जीसस क्राइस्ट द किंग यू नो वो जो पैदा हुए हैं। और इसके साथ साथ क्या हुआ, ये अपने साथ कुछ कुछ तोहफे भी लाए, और ये छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब ये जो थे मेरे पिछले आप देख रहे हो, ये सब क्या बोलते इनको आप एस्ट्रोनॉट बोल सकते हो, ज्योतिषी बोल सकते हो, ये वो। सो एक छोटी सी स्टोरी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट की गई है। अब रही बात ये जो आप देख रहे हो, कुछ लोग आप यहाँ पर जैसे कि जैसे आग सेंकते हुए, तापते हुए, वट एवर द नेचुरल लैंग्वेज यू यूज़। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ शेपर्ड्स थे, यानी कि चरवाहे थे, गवालू जिसको हम डोगरी में बोलते हैं, ये शेपर्ड्स थे। यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, अपने मैदान में कुछ भेड़ों की अपनी रखवाली कर रहे थे, क्योंकि जो भेड़ के रखवाली करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा मैदान में रहते हैं। तो ये भेड़ के रखवाले थे, और एक्चुअली हुआ क्या कि इनको एक स्वर्गदूत यानी कि एक एंजल दिखा, और एंजल ने इनको एक गुड न्यूज़ दिया, और वो गुड न्यूज़ ये था कि आप क्या करो कि एक आपके लिए एक सेवियर पैदा हो गए हैं, और एंड दैट सेल्वेशन हैज़ कम यू नो ऑन दिस अर्थ, सो व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड विजिट दैट प्लेस। तो तब क्या हुआ कि जो ये एंजल था, एंजल ने इनको एक मैसेज दिया, और ये शेपर्ड जो थे इन्होंने बोला कि क्यों ना हम चलते हैं, और वो जो हमारे उधारकर्ता या क्या बोलते हैं निजात देने वाला उर्दू में कह सकते हैं, और सेवियर अंग्रेज़ी में, उनकी जाकर हम दर्शन करें। सो वेल, अगर आप बाइबल के पन्नों को गूगल करें, इफ़ यू विल डू द गूगल, और आप जीसस क्राइस्ट की जो स्टोरी है एज़ पर द बाइबल, यू कैन आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक बात रही सेंटा की, यू वॉन्ट फाइंड एनी स्टोरी अबाउट सेंटा इन द बाइबल, बट ये सेंटा जो थे एक बहुत बड़े संत थे जो गरीब लोगों की क्रिसमस के दौरान मदद करते थे, और वेल यू कैन जस्ट गूगल दैट। तो मैं आपको दरअसल ये जो सजावट यहाँ पर की है ना, वो मैं आपको थोड़ी सी दिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे खुद सुंदर लगी, और मैंने सोचा कि मैं अपने मित्रों के साथ ये साझा करूँ।